नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है। इस फिल्म ने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, जिसके कई कारण हैं, लेकिन सलमान की स्टारडम से लैस दबंग 3 अब भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हालांकि इस फिल्म को अक्षय कुमार की गुड न्यूज झटका दे सकती है। अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज को क्रिटिक्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया था और अब फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में क्रेज दिख रहा है। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन ने गुड न्यूज की पहले दिन की कमाई को लेकर अनुमान लगाया है कि फिल्म 18 से 20 करोड़ रुपए तक कमाई कर सकती है। जाहिर है, अक्षय की फिल्म सलमान की पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म की कमाई पर काफी फर्क डाल सकती है। बता दें, दबंग 3 की कमाई देश भर में चल रहे प्रदर्शन की वजह से काफी प्रभावित हुई है। इसके अलावा फिल्म को क्रिटिक्स से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म समीक्षक तरुण दर्श के मुताबिक दबंग 3 ने पहले दिन 25 करोड़ रुपए के लगभग कमाई की थी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के कारण दबंग 3 दिल्ली और यूपी में अपना जलवा दिखाने में थोड़ी पीछे रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक दबंग 3 ने गुरुवार को 7 करोड़ रुपए की कमाई की और ये फिल्म अब तक एक हफ्ते में 125 करोड़ रुपए के लगभग कमाई कर चुकी है। वहीं दबंग 3 के ऑपोजिट गुड न्यूज को अच्छा सोशल रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म के फर्स्ट डे सोशल मीडिया रिएक्शन देखकर दर्शकों में फिल्म के लिए एक्साइटमेंट देखी जा सकती है। IMDB पर भी फिल्म देखने वाले लोगों ने इस फिल्म को अच्छे रिएक्शन दिए हैं। माना जा रहा है कि अक्षय और करीना की स्टारडम और फिल्म की स्क्रिप्ट को मिल रही माउथ पब्लिसिटी के चलते ये फिल्म आगे आने वाले समय में बेहतरीन कमाई कर सकती है। राज मेहता डायरेक्टर गुड न्यूज IVF तकनीक पर आधारित है। इसमें अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय और करीना की गुड न्यूज सलमान की दबंग 3 के लिए बैड न्यूज साबित होती है या नहीं।